आपके शहर में पहली दफा आने का मकसद कोई सियासत नहीं है, किसी फिरके की आबादी नहीं है। हर मुल्क में, हर शहर में, हर घर में कुछ दिल वाले होते हैं। उन दिल वालों को निकालना मकसद और दिल की आवाज उनके दिल तक पहुंचाना मकसद। हुजूर पाक के जमाने में दो तरह कह रहे हैं, एक जबान वालों के लिए और एक दिल वालों के लिए। जबानी इलम को शरीर बोलते हैं और उस दिल वाले इलम को तरीकत बोलते हैं। आपके जमाने में जिन लोगों ने वो सिर्फ जबानी इलम पे इकनात करी, उन्हीं में से कोई खारिज हुआ और कोई गुनाह। तो आज वही लोग जो सिर्फ जहरी इलम के हैं 72 फिरकों में तकसीम, और जिन लोगों ने वो दिल वाला इलम भी हासिल किया वो थे सहाबी या रसूल अल्लाह का और वही से किया नाम हासिल कर सकते हैं। अब जो बाड़ी इलम की तशरीह दूरी है उसको बच्चा बच्चा की काम है, हमारे लोग आते हैं उसकी तशरीह कर जाते हैं, उसकी जितने भी खोल में निकलेंगे एक नया फिरका बन जाएगा और कुछ नहीं होगा, फिरका बन जाएगा। लेकिन वो दिल वाला है जिसको मुसलमान भूल गया उसकी तशरीह हो, दिल वाला है उसके लिए कुछ इशारे हैं। अब वो हैरान रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मुझे हुजूर पाक से दो इलम हासिल, एक तो मैं बता दिया अगर दूसरे बताऊं तो मुझे कहते हजूर पाक फरमाते हैं मुझे अल्लाह ताला से तीन इलम हासिल हुए, एक आम लोगों के लिए जबान वालों के लिए, एक दिल वालों के लिए और एक सिर्फ मेरे लिए। अब वो दिल वाला इलम क्या है जिसको तरीकत बोलते हैं। हजूर पाक के जमाने में ये दोनों इकट्ठे चले, सहाबा तक इकट्ठे चले, फिर वो इमाम आए उन तक इकट्ठे चले, इसके बाद ये मुंतशिर हो गए। जुबानी इलम उलमा के पास और दिल वाला इलम दरवेशों के। एक अरसा आया जैसे गौस पाक आए, उन्होंने दोनों इलमों को इकट्ठा किया, गौस पाक एक बड़ा पाक फिर ये मुंतशिर हो गए, फिर मजद साहब आए उन्होंने इसको इकट्ठा किया, उसके बाद फिर मुंतशिर। अगर मुंतशिर हो गए आप जब आलम के पास जाते हैं वो कहता है कि जो कुछ है शरीयत में, यही कहता है ना। लेकिन जब आप दरवेश के पास जाते हैं तो वो कहता है जो कुछ है दिल में, आप दिल में वो उसकी नफी करता है, कार्य करता है वो उसकी कार्य करता है। आपको जुबानी इलम भी चाहिए और दिल वाला इलम, जुबानी इलम चाहिए और वहां से सीखें और दिल वाला इलम जाके दरवेशों से सीखें। कई ऐसे आदमी पानी भी हैं जिनके पास दिल वाला इलम भी है और जुबान वाला इलम भी है, अगर वो मिल जाए वो एक दोनों से बेहतर है। ऐसे आलम ये है पाकिस्तान में, लड़काना में मशरी साहब, मुल्तान में काजमी साहब, ऐसे आलम ये है और बाकी भी है लेकिन वो रुपोश। अब उस दिल वाले इलम वो क्या, जिस तरह ये जबान अल्लाह अल्लाह करती है इसी तरह वो दिल गोश्त का मुकरा वो भी अल्लाह अल्लाह का सुभान। लोग कहते हैं हमने दिल देखा है गोश्त का मुकरा है, उसकी जबान ही नहीं है वो कैसे अल्लाह का, यही कहते हो ना, उसकी जबान नहीं है कहां से अल्लाह लगाएगा। तो हम कहते हैं कि ये जबान ये भी तो गोश्त का मुकरा है ना, ये अल्लाह का गोश्त का मुकरा है ना, ये दो जबड़ों के दरमियान लटका हुआ है और वो दो मुस्लिम के दरमियान लटका हुआ है, दोनों गोश्त हो गए। अगर ये बोल सकता है तो वो भी बोल सकता है, लेकिन ये कैसे बोलता है, ये जो ढांचा है ये ढांचा है गोश्त का लोहा है, इसमें कुछ मखलूकें डाली गई,
जब इसमें मखलूकें डाली गई तब ये उठाकर इसमें सत मखलूकें डाली गई, उनको लता है बोलते हैं, नौ और मखलूकियां उसको दूसरे बोलते हैं, 16 मखलूकें इस पेंसिल में डाली। जिस तरह जिन और फरिश्ते हैं मखलूकें हैं, इस तरह वो मखलूकें हैं। कोई तमाम में बैठ के सोचने के लिए, कोई देखने के लिए, कोई सुनने के लिए, कोई सूंघने के लिए, कोई चलने के लिए, कोई बोलने के लिए। अगर वो मखलूकें निकल जाए गिर जाएगा, अगर इसकी जिंदगी है तो मखलूकों से एक मखलूक जिसका नाम अफ्ताब, वो सीने के दरमियान में वो मखलूक बोलती है इस गोश्त के नुस्खे के लिए, वो मखलूक बोलती है इस गोश्त के नुस्खे के लिए। अगर वो मखलूक खत्म हो जाए या किसी की ना आए तो उसको गूंगा कहते हैं। डॉक्टर कहते हैं जुबान तो सही है, ये बोलता क्यों नहीं है? उसकी जुबान तो सही है, बोलता क्यों नहीं? वो मखलूक नहीं है। इंसानों और जानवरों में इन मखलूकों का फर्क है। अगर ये मखलूकें जानवरों में भी होती तो वो भी कुछ ना कुछ बोलते हैं, जुबानें होंगी है वो तो ही बोल लेते। जिस तरह इस जुबान को बुलवाने के लिए वो मखलूक है, इसी तरह वो जो गोश्त का लोथड़ा उसको बुलवाने के लिए भी मखलूक है। अरबी में उस गोश्त के लोथड़े को कुर्बान कहते हैं, और जो मखलूक उसको बुलवाती है उसको खलब कहते हैं। फर्क ये है, ये मखलूक आजाद है और वो कलम 180,000 जालों के अंदर बंद है। अगर कोई शख्स उसको भी आजाद करा ले तो जिस तरह ये जुबान अल्लाह करती है, इस तरह वो गोश का लोथड़ा अल्लाह करता है। लेकिन वो आजाद कैसे? वो तो 180,000 जालों के अंदर बंद है। अगर कोई शख्स अंडे की खासियत से बेखबर हो, उसे कहा जाए ये हवा में उड़ेगा, ये चूं चूं करेगा, वो कहेगा तू गलत है, ना इसकी टांगे है, ना जबान है, ना पर है, रोज तोड़ के देखते उसमें कुछ भी नहीं है, तू कहता है हवा में उड़े। उसका नाम बेजा है, तुम्हारे अंदर बेजा नासूती है, वो तुम्हारी नकल है। उसके अंदर एक मोर बंद है और इसके अंदर एक मुर्गे लाहौती बंद है। वो मुर्ग निकलेगा कहां तक जाएगा? आसमानों की सैर करेगा। जब ये मुर्ग निकला तो ये अल्लाह की जात है, उसको मुर्गी की जरूरत है वरना बेकार हो जाएगा ना, और इसको मुर्शिद की जरूरत है। सुभान अल्लाह। तो मुर्गी उसके हिसाब से खुद रंग पर जाएगी और मुर्शिद उसके सीने के हिसाब से उसमें अल्लाह का नूर पर जाएगी। जब वो चूजा निकलेगा हटेगा उसे कोई सिखाएगा नहीं, बगैर सीखे सिखाए चू 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 करेगा। क्यों? चू चू उसकी फितरत है, कोई सिखाएगा नहीं, उसकी फितरत है चू। और जब ये फटेगा बगैर सीखे सिखाए अल्लाह 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 करेगा, क्योंकि अल्लाह अल्लाह इसकी फितरत। अब तुमने देखा मैं तो अल्लाह अल्लाह नहीं कर रहा, मेरे अंदर से कुछ चीजें बेकार हो गई। यहां से फिर दो तरह की तस्वीर चलती है, एक जुबान वालों की तस्वीर, एक दिल वालों की तस्वीर। सुना होगा दिल की भी तस्वीर होती है, पता नहीं। जुबान की तस्वीर जुबान करती है, अल्लाह वो करती है, टिक जुबान करती है, अल्लाह वो करती है। अब जुबान भी बार और टिक भी बार, तस्वीर बार। लेकिन हजरत पाक ने फरमाया जहल आलम से डरना और बचना। मुसाफा ने पूछा आलम भी और जहल भी? जिसकी जुबान आलम और दिल से आती है जहल, वो काफर को मुसलमान बनाते थे। ये मुसलमानों को काफर कहते हैं, बातें फिर बना दिए। वो जो पहला फिरका था तस्वीर वाला, वो मुसलमानों का है, एक दूसरे को काफर मुनाफिक कहते हैं। लेकिन आप दिन रात तस्वीर पढ़ते हैं, आप मुसलमान हैं, आप मोमिन हैं। मोमिन की तशरीह सूरत अल-आराफ में है, रात में नाम ईमान है। अल्लाह ताला ने फरमाया नहीं, इनको कहो सिर्फ इस्लाम लाए, मोमिन तब बनोगे जब नूर तुम्हारे दिल में आए। जब दिल में नूर उतरता है फिर वो नहीं कहता है मैं सुन्नी हूँ, मैं शिया हूँ, मैं वहाबी हूँ, फिर कहता है बस उम्मती हूँ तुम्हारा या रसूल। शिंदे का भाई खत्म हो गई नारायण।
تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا رسول اللہ نعرہ غوثیہ یا رسول اللہ وہ پہلا مقام مسلمان کا ہے مسلمان کی نماز اور ہے مومن کی نماز اور ہے اور ولی کی نماز اور ہے یہ سب کچھ تمہارے اندر ہے تب ہم بات کریں اگر تمہارے اندر تھا تو ہم بات کریں تم رضا صرف اور مومن بن سکتے ہو ولی بھی بن سکتے ہو سکتا ہے صاحب میں صرف دو چار کے اندر آ رہا ہوں اب لوگ کہتے ہیں یہ ولی لوگ پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں تمہارے اندر جو بھی بچے اس دنیا میں آیا ہوا ہے کلام دیکھ آیا ہر کافر کو ہوا ہندو کا ہوا اور بڑی ہوا ہے کافر کے بچے مسلمان ہوئے بڑے کلام سیکھا اور بڑے بڑے ہوئے جب کافر کے بچے وہ راز لے کے آئے تو کیا مسلمانوں کے بچوں میں وہ راز نہیں ہوگا تم نے دیکھا ہوگا کہ رات کو یہاں سوتے ہو دوسرے شہر میں گھومتے ہو نہیں ہوتے لیکن تمہارے اندر کیوں وہ مخلوق ہوتی ہے نا تمہاری بھی چیز ہوتی ہے نا وہ تمہارا نفس ہے وہ شیطانی چیز ہے شیطانی کیا تمہیں گھومتی رہتی ہے وہ آزاد ہے اس کو نفسانی کے ساتھ ملتی ہے اسی طرح بھی تمہارے اندر جو سولہ مخلوق ہیں وہ تمہاری نسل میں پیوست ہیں کوئی کس نسل میں کس نسل میں کوئی ادھر 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 نسل میں پیوست ہیں تو ان کو گوشت روٹی نہیں چاہیے ان کو اللہ کا نور چاہیے وہ نور جو ان تک پہنچے جب تمہاری نسل میں اللہ لگ گیا وہ اللہ ان تک پہنچا کیونکہ وہ نسل میں جب ان تک اللہ کا نور پہنچا تو وہ بیدار ہو گئی جب بیدار ہو گئی قرآن اندر اللہ لگ کرنا شروع کر دی جب اللہ لگ کرنا شروع کر دی 3 سال تک نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ غوثیہ یا غوث اعظم انہوں نے اگر اللہ کرنے شروع کی 3 سال میں بالکل باشعور ہوئے اب تم نے خواب میں دیکھا کہ حضور پاک روزے کے لیے تم نے مارے انہیں وجہ سے خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہو ولیوں کی درباروں کی طرف تمہارا روزہ 12 سال لگتے ہیں 12 سال میں بالکل بالغ ہو جاتی ہیں وہ اللہ کے نور کی رضا سے بالکل بالغ ہو جاتی ہیں جب بالغ ہو جاتی ہیں اب سونے کی ضرورت نہیں ہے اب تم نے سوچا دیکھیں حضور پاک کیا کر رہے ہیں تم نے سوچا کوئی سینے سے نکلی اور حضور پاک کے قدم ہوئے اس وقت گل شاہ نے فرمایا لوٹی پانی لے لے ایسے کہا جائے لوٹی مسیحی ایسے قدمہ جو لوگ 5 گھروں کو یاد کرتے ہیں ان کی انتظار مسجد ہے بعد بات ہو جائیں گے لیکن جو لوگ اس کے ساتھ اللہ اللہ بھی کرتے ہیں وہ تو حضور پاک کے قدموں میں قدموں میں کون کی نماز تو کہنا اب تم نے سوچا دیکھیں اوپر کیا ہو رہا ہے تم نے سوچا اور سینے سے نکلی اوپر پرواز کر دیں فرشتوں نے روکا نہیں روکی کہنے لگے جو کچھ بھی ہے بیت المقدس سے آگے چل جائے گا تو یہ بیت المعمور سے بھی آگے چلی گئی وہاں پہنچ گئی جہاں رب کی ذات ہے ظاہری جسم سے حضور پاک وہاں پہنچے اور ان مخلوقوں سے بھی وہاں پہنچتے ہیں جب کوئی وہاں پہنچ جاتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ اس کو فرماتا ہے اب میں تجھے دیکھ لوں گا تو مجھے دیکھ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ میں تجھے دیکھ لوں تم مجھے دیکھ رہے تو ایک دوسرے کو پیار سے دیکھتے ہیں دوستی خصوص کو جب پاس ہو گیا یہاں بھی کہتے ہیں میں ولی اللہ ولی اللہ دوست ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں جو دوست سے ملاقات ہو بات چیت کر دیکھے وہ ولی اللہ ہوتا ہے نا ایک دوسرے کو پیار سے دیکھتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ نیچے چلا جا اب جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ اب جس نے تجھے دیکھ لیا مجھے دیکھ لیا اب پھر تو مجھے بات پتا چلتی ہے پھر سے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے بڑے مشتاق ہیں کیونکہ اللہ ان سے بہت اوپر ہے اب جو اوپر وہ دیکھتا ہے اللہ کو اللہ کے نشے اس کی آنکھوں میں آتا ہے آنکھوں سے دل میں جاتا ہے
अब वो फरिश्ते बहुत दर्शन देखने के लिए उसके पास आते हैं। फिर क्या होता है कि वहां वो सो रहा है और फरिश्तों की किताब है किताब आसमान तक लगी हुई है उस नक्शे को देखने के लिए जो उसके अंदर अल्लाह का नक्शा। ये जो अदल के नारे लगाए लोगों ने लगाए वो इसी स्टेज पर वो इसी स्टेज पर लगाए अदल के नारे। इसको फना फिजा वाला कहते हैं और इसी के लिए अगर ऐसा किसी को मुश्किल मिल जाए तो सुल्तान साहब ने फरमाया असमोचित खाया आपके इला से सारा और उसी के लिए फरमाया मुश्किल दर्द दीदार हो मैं नक करना अज्जा हूं। काबे में वो नशा नहीं है अल्लाह ने नशा काबे में नहीं है अल्लाह का नशा तो उसके दिल में है। काबे बसरी के दिल में वो नक्श आया उस काबे को यहां तक इंसान पहुंच सकता है। अब ये जो चीजें मिल रही थी कहां से मिली? हम तो सारी उम्र नमाजें पढ़ते रहे हैं। नमाज इस तरह है जिस तरह फौजी पे परेड लागू हो गई सुनी भर्ती हो गया परेड पे करता है जब तक दूसरे कोर्स नहीं करेगा सफाई रहेगा सारी उम्र सफाई है। इसी तरह मुसलमान हो गए जिस पे नमाज फर्ज है जब तक तू दूसरे सबक नहीं सीखेगा तू नमाजी है ना और कुछ नहीं बोले दूसरे सबक है कलम का रूह का सिर का हकी का पर बंदा का नफ वो सब इबादतें करते हैं जितने मखलूक हैं इनको अंदर से निकाल के इबादत सिखाते हैं वो दिक्कत है। दस साल की एक वक्त में नौ आदमी दौड़ चुके हैं सुना होगा नौ में घर जाके खड़ा करें आपका जिसम मुबारक मस्जिद में मौजूद के पास और वो जिसम के अंदर के मजबूत है उधर जाके खाना खा रही थी अगर खाना खाया होगा तो बातें भी करी होंगी बैठी भी होंगी उठी थी और जिनमें उस दिन बैठने बातों की ताकत है नमाज नहीं कुछ है हो सकता उनकी नमाज खाने का होगा खुद कहते हैं इधर लेकिन नमाज ऐसी मौजूद में होती है लोग कहते हैं कैसी होती है जिसम अर्शे मौला में नहीं जाता है वो तो जिसम के अंदर की चीज है वो अर्शे मौला में जाती है और स्वाद किसको मिलता है जिसकी है। हमारे बहुत से लोग इन चीजों को नहीं मानते लेकिन यकीन करें कि पैसेज में पैसे की जंग में सिर्फ पैदों ने इसकी तस्दीक कही है। वो कहते हैं उनको सिर्फ बम फेंकते थे नीचे से है जाने वाले वो हम पकड़ लेते पता नहीं क्या चीजें थी ये तो नमाज सुनत हो गई अब वो नमाज हकीकत है। नमाज हकीकत उसके लिए सबसे पहले अल्लाह अल्लाह सीखी बनी जब मुसलमान हो गए थे हजूर पाक के जमाने में उस वक्त तो नमाजें उतरी ही थी वो मुसलमान क्या करते थे आनंद के अलग नमाजें शब महराज में होती कई साल बाद होती जिक्र नहीं जिन्हें मुसलमानों के दिल मंदावर हुए फिर नमाजें उतरी अब तो मैंने करती सीधे शुरू में वो नमाज की करती ना ये तुम्हारा पहला रुकन भी है पहला रुकन कलमा तैयब हदीस भी अंदर जिक्र कलमा तैयब जिक्र में और जिक्र के लिए कुरान शरीफ उठते बैठते पत्ता करते लेते हैं लोगों के घर फिर लोग कोख में भी सेवा पूर्ण रहे ये तुम्हारी बुनियाद है पहला रुकन बुनियाद होती है ना और बुनियाद को छोड़कर इमारत तामीर कर रहे हैं कैसे पूरी ऊपर जाती है इधर गिर गई मरदई हो गई लोगों ने बनाई ऊपर गई इधर गिर गई मरदई हो गई फिर बात फिर से तो बन गई तो बुनियाद ही है ना ये तुम्हारा कुरान नहीं जो पहले बात तुम कहते हो रुपए मकत्यार छोड़ो इसको पता नहीं क्या है वो सब कुछ इसी में है ना तो सुल्तान साहब फरमाते हैं मैं किसी मदरसे में नहीं पढ़ा मैंने कुरान ही को पहले लोग ले लिया और अल्लाह से अल्लाह अल्लाह करता रहा अल्लाह अल्लाह से डर से नहीं करता सुभान अल्लाह मरते जब मेरा सीना मनोहर हो गया और नूर पा गए चमकता हुआ सीना देखा और सीने से सीना लगा लिया वो सारे ना भी सीने में खुद बहुत अल्लाह से अल्लाह अल्लाह
अगर इसकी जलालत से डरता है तो ना उसे ला इल्ला इल्लल्लाह का जिक्र कर। अगर इसकी भी तौफीक नहीं है तो मीन से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सब कुछ पा लेगा। सुभान अल्लाह। अगर इसकी भी तौफीक नहीं है फिर किताब में उतरा रहे किताब पता नहीं तुझे क्या बनना। ये सब सिर्फ किताब पढ़ने वाली अलग नाम ही जो कुरियत में आगे जो है वो किताब शरीफ में है। एक बुजुर्ग थे हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक मंगोली, उन्होंने अहले तरीके दिल वालों को जकूरियत से अलग नाम नहीं से सुधारा और जबान वालों को तो शरीर से सुधारा। अब हम वो राजी पर कहन चाहते हैं तो दिल वाले भी राजी और जबान वाले भी। अब सबसे पहले तुमने अपनी गर्दन को अल्लाह वाले में जमा है, फिर कोशिश करोगे मैं काम काज करता रहूं अल्लाह अल्लाह होती है। इसको बोलते हैं दस्तकार में दिल याद है। फिर कोशिश करोगे गाड़ी चलाता रहूं अल्लाह अल्लाह होती है कामयाबी हो जाएगी। फिर कोशिश करोगे अखबार साला पढ़ता रहूं अल्लाह अल्लाह होती है कामयाबी हो जाएगी। फिर कोशिश करोगे नमाज पढ़ता रहूं और अल्लाह अल्लाह होती है उस वक्त दुकान जाएगी क्या दे अल्लाह ही क्या दिल कहेगा अल्लाह 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 उसमें दिल कहेगा अल्लाह अल्लाह नामी आने वाला मंगल दिल कहेगा अल्लाह अल्लाह। अब जो जुबान है वो दिल में ना इकरार इंसान तस्दीक की कलम जो जुबान में हो दिल जुबान इकरार करिए दिल तस्दीक करे और जिस वक्त अमल करे। जुबान दिखे मुफसर में और दिल दिखे मुजम्मल। जुबान तजीर से मंगवा रही है कि कह दे अल्लाह एक है वो कहता है मुझे जुबान दिल की जरूरत नहीं अल्लाह अल्लाह। वो कहती है कहते अल्लाह है वो कहता अल्लाह अल्लाह। एक जुबान का पसरा है वो अमेरिका से बोलते हैं यहां सुनते इस जुबान का कमाल है और वो जो दिल है उसका पसरा है यहां भूल जाता है अशर मौला वाले से तुम्हारी नमाज को ये दिल अशर मौला में पहुंचाएगा वो नमाज मोमन का मेराज है। अगर अच्छी दो रकाते भी पूरी जिंदगी में मिल जाए तो हजार रकातों से बेहतर है नाम हो गया ना कभी आएगा तो उसका नाम ही नहीं होगा तो बेनाम है। नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत नारे गौसिया। वो वली की नमाज क्या है इस नमाज को वो अंदर की नमाज नमाज का वक्त आता है ना तो उसी को देख लेते हैं। नमाज का वक्त आता है उसी को देख लेते हैं। इसमें कुछ आर्ट होते हैं कुछ मुआरत होते हैं। एक शख्स है जंगल में चला गया रोता बिगड़ाता रहा रोज रखे बाकी उसके लिए किया ना पर उसके लिए मुआर हो सकता उसके ऊपर तजली करता है जो मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर डाली थी उसका जिस्म जरूर वो इस जिसम से हजरत पाक की महफिल में जा सकता है। सुभान अल्लाह। दूसरा है जिसने अपनी मखलूकों को प्यार किया वो नस नस में दूर पहुंचाया तजल्ली का वक्त हुआ सारी मखलूकें यहाँ खड़ी कर दी। अब जिसके ऊपर अल्लाह ताला तजल्ली करता है जिस मखलूक के ऊपर वो मखलूक करी हुई उसके जिसम जा सकता है इसकी वो मखलूक जा सकती है जिसम नहीं जा सकता वो आरफ है ये मुआरफ ये दूर से देखता है कितना कुछ नसीब है हजूर पाक की यादों में बैठे हैं मुआरफ देख रहे कितने में हजूर पाक किसी से बात करते हैं वो आर्म कहते हैं किससे बात कर रहे हैं नजर का कोई नहीं आता। आप फरमाते हैं मैं उससे बात कर रहा हूं जिसका जिसम मखलूक में और रूह मेरे पास उस वक्त आर्म कहते हैं इतना खुश नसीब है इधर भी बैठा और उधर भी बैठा इतने में नमाज का वक्त आ जाता है हुक्म होता है ये जो जिसम वाले वली है ये जिसम वाले इंतजार करके नमाज पढ़े वरना वाले अच्छा हो जाएगी उस मुबारक की उस रूह के लिए अल्लाह रूह पाने की शर्म आ रही है। यही वजह है कि कुछ वली नमाजों के बहुत पाबंद होते हैं और कुछ वली नमाजों को तर्क करते हैं। वो मुबारक होते हैं जिनकी नमाजें दूर होती हैं ये आलम होते हैं जिनकी नमाजें इधर होती हैं। कुछ ना कुछ इसमें जिक्र करनी चाहिए। मूसा अलैहिस्सलाम
उनकी उम्मत याद है मांग करतेम याद कर सुलमान अलैहिस्सलाम या वहाब को दाऊद अलैहिस्सलाम या वहाब को बाकी नबी अपने अल्लाह का नाम इसको करना पड़ता है। एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह की दाद है जवाब आया ताब नहीं है, कहने लगे किसी में ताब होगी, जवाब आया एक मेरा हबीब और उसकी उम्मत। मूसा अलैहिस्सलाम को जवाब आया कि नबी होगी उनकी बराबर नहीं, जब आप देखी जाएगी। जब आप पढ़ा मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए। क्या वजह है मूसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में कपूर में बेहोश हुए और हुजूर पाक सामने जाते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम के जिस्म में या रहमानों का सिफाती नूर था, वो जात की ताल न ला सका। और हुजूर पाक के जिस्म मुबारक में इसमें जात का जाती नूर था, जात आप के सामने मुस्कुराए। और हुजूर पाक के तो फैल वो इस उम्मत को मिला था जिसको फजीलत इस इसम को बनी इसराइल के नबी कसते हैं, कसते हैं ये इसमें ज्यादा हमको मिले नहीं मिला। यही वजह है कि वो नबी की दाल को तरसते है, ये वली भी कहते हैं हम दाल करते हैं। एक हदीस फिल्म है कि क्यामत के दिन उम्मतों की पहचान नूर से होगी। ये यार रहमान से समझ है मुसा अलैहिस्सलाम की उम्मत, या बदरुल अस्सलाम के दौर अस्सलाम की उम्मत, और ये जो अल्लाह उनसे समझ है ये हजूर पाक की है। अब सारे कह रहे हो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, इस वजह से कि ये तुम्हारा विरसा है इसमें ज़ाद। इस वजह से कह रहे हो ना इस उम्मत को इसमें ज़ाद मिला है, इसका विरसा है ना। आप उम्मती कौन है जिसके पास हो जहर उरीद, जिसके पास गाड़ी हो और ना राशि क्यों है ना, फिर उसको हमारा घर नहीं देंगे ना। हो सकता है आप सिर्फ ऐसा गुना हुआ है अल्लाह ताला ने आपको फाइल कर दिया, ये पता है। बहुत से लोग आपके जमाने ही में ही फाइल हो गए, वो लोग भी नमाजें पढ़ते हैं, वो हमने देखे हैं, वो आराम में जाते हैं और कुछ पेशावर भी करते हैं, वो नमाजें भी पढ़ते हैं, तलावत भी करते हैं, तहजद भी पढ़ते हैं। तुमसे किसी में कुछ लोग जो हमें नशे में समझते हैं तो ये कौन सा नबी है, फलां नबी था, ये फलां नबी था, ये कौन सा नबी है, नबी नहीं था ये वली था। ये वली बहुत जमाने में होते हैं, शायद तुम्हारे जमाने का भी हो, ज्यादा पहचान जाएंगे। एक कहेगा अल्लाह मैंने इसको भूजी लाया तो बख्श दिया, अल्लाह मैंने इसको रोटी खिलाई थी बख्श दिया, अल्लाह मैंने इसको कपड़ा पहनाया था बख्श दिया। कौन आदमी बख्शी जाएंगे जिसको वली ने खरीदो को, और लोग कहेंगे जब ये करेगा हम जिसके दौर में। अगर आप प्रमोशन मांगते हैं नाकस है वहां तक रसाई नहीं है, फिर नहीं तुम्हारी नमाज तो देखी हुई नमाज उसकी है, तुम्हारी नहीं है या नमाज उसकी है, फिर वो जिद हो जाएगा तो तुम्हारी नमाज काम नहीं, तुम्हें उसके पीछे ही जाना पड़ेगा, भले दरसों से भाग के लेके जाए जहां उसके पीछे पड़े। अब क्योंकि बैठ के बगैर गुजारा नहीं है, वली के बगैर गुजारा नहीं है, वली की पहचान नहीं है, अब तुमको वली क्या पहचान, ये देखो ये नमाज सही है, दाढ़ी कितनी बड़ी है, तस्बीह हाथ है या नहीं, जुब्बा है या नहीं, या निस्बत है या नहीं, देखोगे ना। चोर को चोर पहचान, वली को वली पहचान। इसके लिए तुम्हें सबसे पहले बात करती हूँ, जब तुम्हारे दिल में दर्द में अल्लाह ने करना शुरू कर दी फिर तुम दादा साहब चले जाओ तो हम ये अल्लाह यहाँ मिल जाओ रिकट पैदा हो गई ना, उन्हें महसूस हो गया एक काम का दरबार सुल्तान साहब पे चला जाना, वहां भी अल्लाह यहां भी अल्लाह रिकट हुई, फिर अपने मुर्शिद के पास। अगर वहां जाने से रिकट होती है जो सुल्तान साहब की हुई थी, दादा साहब की हुई थी, तो फिर वो काम और है, फिर तुमको मुबारक है, फिर पता नहीं अगर यकीन हो गया। लेकिन अगर वहां बार बार जाने से ऐसा नहीं होता है तो फिर काम नहीं होगा, फिर तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, फिर वो 16 मखलूकों पर कातिल है। ये जिस्म अल्लाह तक नहीं पहुंचता, वो मखलूक ही अल्लाह तक पहुंची थी, उसको उन्होंने इसलिए कतल कर दिया, खराब कर दिया, बर्बाद कर दिया, तो 16 मखलूकों पर, फिर उसके हजार मरी तो 16,000 मखलूकों पर, फिर उसके लिए सुल्तान साहब ने सुनाया उसको चुप करके गोली में बंद करना, दरिया में भर दिया, क्योंकि बहुत सुलम मखलूक है। इस वक्त जरूरी है कि तुम हमेशा जमीन बन जाओ। पहले जमाने में कोई कहता मैं वली हो गया,
दस में से पांच आदमी उसे जिंदगी को कहते नहीं कहते हम मिर्जा गुलाम अपा ने कहा मैं नबी हो गया लोगों ने मान लिया नबी क्यों नहीं अब भी है कि तुम रसूल नबी धन जाओ उसके बाद फिर मरी को मिलना हो सकता है जिसको तुम मोदी समझ रहे हो मरी का हो सकता है तुम्हारे पास कुछ ड्राउ हो जिसको तुम ड्राउ बड़ी बड़ी क्योंकि मेरे की तलाश है तो पहले जो नहीं मरती बल्ली की तलाश है पहले जाते फल भी इसके बाद आप इसकी जांच नहीं होती है आप यहाँ तहजीब पढ़ते हैं काम बड़ा अच्छा करें लेकिन शैतान एक कोने पे खड़ा हंसता रहता है क्यों हंसता है तेरा दिल तो मेरे हाथ है जब चीजों को मुंह और तुम्हें शिकायत हुई मैंने बड़ा तहजीब गुजार था मुझे क्या हो गया मेरा फसल मान तो सकता हूँ शैतान ने दिल मुंह जब कोई शख्स अल्लाह अल्लाह दिल में फंसाने कोशिश करता है शैतान सोचता है अल्लाह अल्लाह इसे दिल में चला गया इसका दिल मनोर हो गया इन सारियों को दिल या शैतान के पास जिन्नात हम है हुक्म देता है जाओ बर्बाद करो बर्बाद करो कुछ भी करो ये लफ्ज अल्लाह इसके अंदर मन है अब तुम्हारे पास एक जिंदगी नहीं है जो उसका मुकाबला करो जहां से इसकी इजाजत होती है अल्लाह ताला को भी यह मानी पड़ देता है तो शैतानी फौज तुम पे टूट गई और तुम्हारा मानी फौज शैतानों पे और मानी फौज उस वक्त तक तुम्हारा साथ देगी जब तक तुम्हारे अंदर ईमान जाग नहीं होता वो मखलूकी जब तक जाग नहीं होती फिर बंदा नहीं रहे बंदा नवाज बने गरीब नहीं रहे गरीब नवाज बने ये इसकी इजाजत और इसके एक तरीका होता है रोजाना सफाई मखावस पर काली कलम से अल्लाह लिखे आप पढ़ने लिखेंगे एक दिन आएगा आप जो कागज पे लिखते थे वो आपकी आंखों पर तैरना शुरू जब आंखों पर तैरना शुरू हो जाए तो लिखना बंद करते हैं आंखों से फैसलों से दिल के ऊपर उतारे अगर अल्लाह ने चाहे जो कागज पे लिखते थे वो दिल पे लिखा नजर आएगा उस वक्त दिल की कलम देर होने लगी देखते देखते उसके टिक के साथ अल्लाह के साथ अल्लाह के साथ रात को सोने लगे उंगली को परम ख्याल करके दिल के ऊपर अल्लाह लिखते लिखते सो जाए किसी में सुबह ऑफिस जा रहे हैं जिक्र खती करते हैं जिक्र खती और है जिक्र खती और है जब तक जिक्र खती नहीं ये सर उस वक्त जिक्र खती करते हैं जब तक दिल की धड़कनों से नहीं मिलता उसको जिक्र खती कहते हैं जब दिल की धड़कनों से मिलता है उसको जिक्र खती कहते हैं नारे तकबीर नारे रिसालत नारे गौसिया वुजू हो या ना हो दिल का वुजू पानी नहीं होता है आप साल में पानी में पड़े दिल में पानी मिल जाएगी दिल में पानी जाएगा जब ये अल्लाह का नूर दिल में आएगा वो इसको भरेगा उसको बोलते हैं वुजू करने शौक शराब का बाद लोग जलाली होते हैं अगर जिक्र से गर्मी है तो दूरी शिप है फिर जिक्र करें फिर दूरी शिप है तो उसको ठंडा तो कर दे ये दोनों चीजें हैं मजहब साहब बताते हैं कि जुबानी बात करना सब ये और जरूर चीज है लेकिन जब जिक्र कल बताया जाता है तो दूर चीज उसका वसी अजबान लोग ऐसे होंगे जिनके अंदर मखलूकें खत्म हैं वो क्या करें उनके लिए